ईमानदारी की मिशाल ड्राई क्लीन के दौरान शर्ट की जेब से मिले 5100 रुपए संचालक ने वापस लौटाए। पहले भी 51,000 दिए थे वापस, ग्राहक ने दिया धन्यवाद, 500 रुपए इनाम भी दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के शक्तिपुरम खुड़ा में रहने वाले ड्राई क्लीन संचालक के यहाँ कपड़े ड्राई क्लीन के लिए आते हैं, तभी कपड़े की जेब में से 51,000 रुपए मिले। तभी ड्राई क्लीन संचालक ने उन पैसों को ग्राहक को वापस कर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। जानकारी के अनुसार न्यू सुपर लॉन्ड्री के संचालक पंचम रचक ने बताया कि शनिवार को ग्राहक अनुराठी निवासी टेकड़ी के कपड़े ड्राई क्लीन के लिए आए थे। तभी रविवार को जब उन कपड़ों को ड्राई क्लीन कर रहे थे, कर्मचारी राहुल वर्मा को शर्ट की जेब से 500 के 10 नोट और एक नोट 100 का मिला, जिसकी सूचना तुरंत संचालक पंचम रचक ने फोन पर ग्राहक अनुराठी को दी और आज सोमवार को ग्राहक के घर टेकरी पहुंचे, जहां उन्होंने 5100 रुपए ग्राहक को वापस कर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। पंचर रजक ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं आया और जिसकी अमानत थी उन्होंने उन्हें पैसा वापस करके अपना फर्ज निभाया। ग्राहक ने खुश होकर 500 रुपए के इनाम लॉटरी के संचालक पंचम रजक को भेंट किया, साथ ही धन्यवाद भी दिया। पंचम ने बताया कि राजस्थान के कोटा में जब वह नौकरी करते थे, तभी उन्होंने अपने गुरु गोपाल जी से ईमानदारी की बात सीखी थी। बता दें कि इससे पहले भी एक ग्राहक को कपड़ों की जेब से 50,000 रुपए मिले थे। इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद भी संचालक ने ग्राहक को पैसे वापस कर दिए थे। क्या नाम है तुम्हारा? पंचम सिंह जी। कहाँ पर दुकान है? किस नाम से है? न्यू सुपर लॉन्ड्री कोट राजस्थान वाले जी। आप कुछ पैसे का मामला है, क्या मामला है पूरा? सर अभी क्या है ना, उनके कपड़े आए थे टेकरी पे, अनुराठी जी है, तो उन्होंने पैसे दिखे उसमें, 5100 रुपए थे उसमें। किसमें? कपड़ों में। अच्छा। शर्ट की जेब में मिले थे। फिर तो हमने किया, फोन किया ना, भैया आपके कपड़ों में पैसे मिले हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई जानकर, तो उन्होंने बोले ठीक है भैया आप भेज देना पैसे। तो कितने पैसे थे उसमें? 5100 रुपए थे सर। अच्छा, तो आपने भी वापस दिए? उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने बड़े धन्यवाद दिया और 500 रुपए इनाम में दिया हमारे लिए। अच्छा, इससे पहले भी एक बार कितने पैसे निकले थे? इससे पहले सर हमें 50,000 रुपए निकले थे। अच्छा, उनको भी हमने फोन करके वापस किए, जितने कभी भी निकलते हैं हमें, 1 रुपए भी निकलता हम उनको कॉल करते हैं ग्राहक को, और जिससे हमने काम सीखा हमारे गुरु ही है कोटा राजस्थान में। अच्छा, ये आप रख भी सकते थे, आपने वापस क्यों किए? सर हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और शहर में हम चाहते हैं कि ईमानदारी से काम बने रहे हमारा, हम कभी बेईमानी करना नहीं चाहते। 1 रुपए के भी अगर मिलता है तो हम कॉल करते हैं उनके लिए, ग्राहक के लिए, और हमारे गुरु एक जिससे काम सीखा मैं राजस्थान में, कोटा राजस्थान में, उनका नाम है चित्रगुप्त कॉलोनी में रहते हैं, गोपाल जी नाम है, उन्होंने कहा बेटा आप ईमानदारी से काम करिए, आप सक्सेसफुल हो गए हमेशा के लिए, तो हम इसी उनके प्रवचन पर चलते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं।